हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक नई गेम सीरीज में और हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो नेबर 2। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक बहुत ही डरावने क्रीपी अंकल की जो बच्चों को अगवा कर लेते हैं, और हम हैं एक जर्नलिस्ट या कहले रिपोर्टर जो उनका पर्दाफाश करने वाला है। तो दोस्तों, फिलहाल क्लूज की तलाश में हम अंकल के घर के पास आ गए हैं और वहां पे कुछ है झाड़ी में। ओह, ये तो एक लिटिल किटी थी। ओह वो देखो, अंकल किसी बच्चे को, और ये तो इन्हीं का बच्चा है, अपने ही बच्चे को किडनैप करके अंदर ले जा रहे हैं। ओह माय गॉड, वो तो उसको लेके चले गए अंदर। ओ भाई साहब, ये तो फावड़ा लेके आ रहा है मुझे मारने। ओ मेरी चाबी, गाड़ी स्टार्ट कर भाई, स्टार्ट कर। ओ भाई हो जा, स्टार्ट हो जा प्लीज प्लीज प्लीज। ओ तेरी बाल बाल बच गए, वरना अंकल ने तो हमको पकड़ ही लिया था। ओ माय गॉड, ये क्या था? ओ ऐसा लगा कि कोई भूत या एलियन था। ओ माय गॉड, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। तो दोस्तों, इन अंकल ने हमको पकड़ के यहां पे बंद कर दिया है, तो फिलहाल हमको यहां से निकलना पड़ेगा। और ये देखो, ये गेट तो खुल गया, बट वैसे ही लिवर्स यहां पे लगे हुए हैं और एक लगा हुआ है, बाकी तीन हमको हासिल करने हैं। तो ठीक है, देखते हैं कि तीन लिवर्स और एक तो मुझे यहां से दिख रहा है वो सामने। तो इस लॉक को खोल लेते हैं, दरवाजा खोलने के बाद हम जल्दी से ये लिवर उठा के या कहले गियर उठा के इस पे फिट कर देते हैं। ओके, एक तो लग गया। और ये देखो, यहां पे ये क्रोबार है और इसके अंदर क्या है? ओ भाई, स्टोन्स भरे हुए हैं। तो मैं एक ये स्टोन इस केस पे मारता हूं, क्योंकि पत्थर से बंद तो ये शीशा जो बंद है, इसको तोड़ने में बड़ी आसानी रही। और अब इसको भी हम यहां पे फिक्स कर देते हैं। तो बस एक रेड कलर का और हमको चाहिए ये गियर, उसके बाद हम यहां से निकल सकते हैं। ओके, इसको छोड़ते हैं। ओके, इसको तोड़ने के बाद अब हम आगे बढ़ सकते हैं। बट ये देखो, यहां पे एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी के थ्रू हम आसानी से ऊपर जाके देखते हैं कि तीसरा और आखिरी गियर हमको यहां पे मिलेगा कि नहीं। ओके, और ऊपर जा रहा है। So boys, ये रहा आखिरी गियर, और यहां से नीचे जाने का शॉर्टकट भी है। तो boys, इसको लेके फटाफट हम यहां पे लगा देते हैं और ये लीवर पुल करते हैं, तो ये गेट खुल जाएगा। ओके, तो इस तरह हमने खुद को आजाद करा लिया। बट एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। ओ माय गॉड, अबे हाथ पे नहीं। ओ बच गया भाई, मुझे लगा इसने हाथ काट दिया। और इन अंकल ने तो हमारा कैमरा ले लिया है और इनको पता चल गया कि हम प्रेस से हैं। तो फिलहाल इन्होंने एक कैमरे की सारी फोटो डिलीट कर दी है। तो दोस्तों, अब हमारी आंख खुल रही है दोबारा से, हमें होश आ रहा है, क्योंकि अंकल ने इतनी तेज फावड़ा मारा था कि मैं बेहोश हो गया था, और मैं तो अपने घर में हूं यार। सो बॉयज, ये देखो हमारी शक्ल कैसी हो गई है, खोपड़ी ओपड़ी फूट गई है बिल्कुल। What? ये तो हमारा सर्विलांस सिस्टम है जो सिटी में कैमरास हमने लगा रखे हैं, सिटी का नहीं, या अंकल के घर के आजू बाजू जो कैमरास हमने लगा रखे हैं, ताकि उनकी काली करतूतों से पर्दाफाश करने में हमें हेल्प मिले। तो फिलहाल तो हमें होश आया तो हम अपने घर पे मिले, बट हमारा कैमरा गायब था। तो फिलहाल यहां पे देखो, ये कीबोर्ड्स वगैरह हैं, और ये देखो काफी ज्यादा चीजें हैं यहां पे। तो फिलहाल मैं थोड़ा बाहर चल के देखता हूं कि क्या हो रहा है बाहर, क्योंकि बेहोश होने के बाद मुझे कुछ भी याद नहीं है कि अंकल ने क्या किया मेरे साथ। ओके, तो दोस्तों बढ़ते आगे, और फिर देखो सामने पुलिस की गाड़ी वाली खड़ी है, और इसका मतलब यहां पे रात में कुछ ज्यादा ही बड़ा कांड हो गया है, और पुलिस वगैरह भी आ गई है। और वो देखो, एक पुलिस वाला बंदा वहां पे उनके घर के पास खड़ा है। आई डोंट नो कि अंकल का क्या हुआ। और ये देखो, जिस पे हम गेम खेलते थे, टपली वाला। तो फिलहाल यहां पे ये एक ट्री हाउस है, और इसमें हमको सीजर मिल सकती है जो हमारे आगे चल के बहुत काम आने वाली है।
तो दोस्तों चलते हैं ऊपर ट्री हाउस में। बट एक सेकेंड, ऊपर जाने का तो रास्ता यहां पे है ही नहीं, क्योंकि ये देखो ये सीढ़ी तो टूटी हुई है, तो हमें कोई अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो मैं एक घर का मुआयना कर लेता हूं, देखता हूं कि हम कैसे। ओ ये देखो एक ट्रैम्पलाइन। ओके जंप करते हैं इस पे। ओ अपनी हाइट बढ़ती जा रही जंप की, और हम देखो इस पे आ गए। तो यहां से सामने की तरफ दौड़ के जंप करना पड़ेगा, और ये देखो एक लंबी जंप और हम यहां पे आ गए। सो बॉयज ये देखो, ओ सीजर तो यहां पे रखी हुई है, बट हम उसको उठा नहीं सकते यार, क्योंकि वो यहां पे जाम हो गई है। तो फिलहाल यहां पे जो ये एक ट्रेन वाला खिलौना है, ये जो रेल लाइन है, ये ट्रेन हमारी हेल्प कर सकती है। तो देखते हैं, हमें अगर गौर से देखें तो ये देखो यहां पे एक लीवर है, बट इसका एक पार्ट मिसिंग है, तो हमें ये पार्ट ढूंढना है और ट्रेन का रुख इस हट की तरफ, ये जो स्टेशन है इसकी तरफ मोड़ना है, तो ये सीजर वापस हमको मिल सकती है। ओके देखते हैं। ओ ये देखो भाई साहब, ये पार्ट मिल गया हमको, और यहां पे ये जो रोबो है इसको इस पे लगा देते हैं। कुछ हुआ? फिलहाल तो कुछ नहीं। ओके पोजीशन भी एडजस्ट करनी पड़ेगी, ढाल नीचे की तरफ है और स्वॉर्ड ऊपर की तरफ। तो दोस्तों ढाल को हम नीचे की तरफ लाते हैं। ओके ढाल नीचे की तरफ और स्वॉर्ड ऊपर की तरफ, और बस मोर। अरे नहीं 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 नहीं, नीचे कर दिया मैंने, मुझे स्वॉर्ड ऊपर की तरफ करनी है। ओके स्वॉर्ड ऊपर की तरफ हो गई है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके तो दोस्तों ये लीवर हमको मिल गया है, और इस लीवर को हम यहां पे प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद इस ट्रेन का रुख मोड़ सकते हैं, ताकि जब ये ट्रेन आए तो वो इस सीजर से टकराए और सीजर हमारे हाथ लगे। तो बॉयज आप देख सकते हो सीजर बाहर आ गया है, तो हम इसको उठा के बढ़ सकते हैं आगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब अपना रियल गेम स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि हमको सीजर भी मिल चुकी है, और वो देखो सामने उन अंकल के घर पे पुलिस पहरा दे रही है, तो इसका मतलब ये काफी रिस्की होने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, और अंकल के घर जाके हम तलाशी वगैरह पूरा लेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हम कैसे उन बच्चों के बारे में क्लू ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, वो सामने लाल बटन दिख रहा है उसको जस्ट दबा दो, और उसके बाद घंटी भी बजा दो, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और आपका सपोर्ट हमको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।